हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस क्लास. दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड. सो इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव कवर्ड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड वी हैव अंडरस्टूड अबाउट टेररिज्म, ह्यूमन राइट, ग्लोबल पॉवर्टी एंड माइग्रेशन. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर what is the role of cooperative societies in non-traditional security. So when we talk about cooperative society, this word itself tells us that cooperation is more important rather than the military force. जब हम बात करते हैं कि ये cooperative societies की, तो cooperative societies हमेशा इस तरह वर्क करती है जहां पे वो ये नहीं देखते कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. दे ऑल टुगेदर ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो यहां की जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें यूएन है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है और एंड बहुत सारे NGOs भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क विद द कॉपरेशन ड्यूरिंग एनी कैलेमिटीज एंड एनी डिजास्टर टाइम. These societies and these organization always help to the people beyond the this any kind of discrimination. So thank you children, this was all about for the cooperative societies. Thank you.